अंदर से ईगो निकालना होगा, हमें इस चीज़ को हमेशा याद रखना होगा कि हमारे पास इल्म नहीं है, अल्लाह हिदायत देने वाला है, हमें किसी और ने हिदायत नहीं देनी। और हमें इस चीज़ को हमेशा याद रखना होगा कि यार मैं कभी भी गलत हो सकता हूँ, मेरे वालदेन भी गलत हो सकते हैं, जिस मोटिवेशनल स्पीकर को मैं सुन रहा हूँ वो भी गलत हो सकता है, वो कई फरिश्ते तो नहीं है, कोई अंबिया तो नहीं है, किसी से भी कोई गलती हो सकती है, शायद उनको इस चीज़ का ना पता हो तो उनसे गलती हो जाए, लेकिन आप ब्लाइंडली ये सोच लें कि नहीं मेरे उस्ताद से कोई गलती नहीं हो सकती, मेरे मोटिवेशनल स्पीकर से कोई गलती नहीं हो सकती, मेरे पीर से कोई गलती नहीं हो सकती, तो ख़त्म फिर आप ख़त्म दीन नहीं सीखेंगे आप। मैं आपको चैलेंज, मतलब मैं किसी को चैलेंज नहीं करता, अल्लाह माफ़ी दे इल्ला माशाल्लाह, अल्लाह आपको हिदायत देगा अगर आप अल्लाह से दुआ मांगेंगे, लेकिन अगर आपने ये दरवाज़ा ही बंद कर लिया ना कि मुझे सारा कुछ पता है, या जिसको मैं सुनता हूँ सिर्फ उसी को सारा कुछ पता है, तो आपने अपने लिए हिदायत के दरवाजे खुद बंद कर लिए हैं। और इसके बरक्स अगर आप अपने दिल को खोल दें कि नहीं या अल्लाह तू ही हिदायत देने वाला है, या अल्लाह मुझे सही लोगों के अंदर शामिल कर, या अल्लाह मुझे दीन का सही इल्म दे, आप दुआ मांगिए अल्लाह से, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफियन। क्यों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर के बाद दुआ मांगने को कहा है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफियन? अगर सारा इल्म ठीक होता, क्या अगर हम दीन कहीं से भी ले लेते तो फिर क्यों हम ये फिर दुआएं मांगें? हमें ये दुआ मांगनी है ताकि अल्लाह हमें सही लोगों की तरफ लेकर जाए। हर शख्स जो आपको आकर एक इमोशनल स्टोरी सुनाकर आपके अंदर थोड़ी सी चेंजेस लेकर आए, वो मतलब वो इस्लामिक, आप उसको उससे दीन ना सीखने लग जाएं। आप ये मत समझें कि सिर्फ वही आपका दाई है, और मोटिवेशनल स्पीकर्स मोटिवेट करते हैं लोगों को, वो इस्लाम की कुछ बातें कर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो क्वालिफाई कर गए हैं आप सिर्फ उनसे दीन सीखें।